मैं रात में सोया नहीं हूँ और उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है भाई, तो पैशन है। आज भी एक कहानी है जो आप सबसे शेयर करनी है। जैसा कि मोस्टली मेरे चैनल में होता है, एक कहानी होती है और उसको पकड़ के हम उसके अराउंड कुछ तो उसका मतलब निकालते हैं और हम यही करते हैं। आज भी ऐसा ही होगा। मेरी मम्मी को पसंद नहीं है कि मैं ऐसे किसी भी हालत में वीडियो बनाऊँ, बिकॉज उनके लिए वीडियो बनाने का आइडिया इज़ अ टॉक शो वाला आइडिया, कि होस्ट आएगा एकदम सूट बूट पहन के, एकदम फ्रेश जेल। नॉट मी ब्रो। ओके, फिजूल की बातें बहुत हो गई हैं। अब आते हैं इस मुद्दे पे जिस पे मैं ये वीडियो बनाना चाहता था। आई एम टॉकिंग अबाउट माई एप्पल का चार्जर टुडे। बट द पॉइंट बीइंग, ये बहुत महंगी चीज़ है। अगर आप एक एप्पल के चार्जर को अलग से खरीदते हो ना विद वायर, सो आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 3-4 thousand। आई कुड बी रॉन्ग, बट एक बार देख लेना, कुछ ऐसा है। मतलब महंगा है, प्रिसाइसली बहुत कॉस्टली। रिसेंटली व्हाट हैपेंड, लाइक क्वाइट रिसेंटली, 2-3 दिन पहले बारिश हो रही थी, तो कुछ वोल्टेज का इशू होगा घर में, व्हाटएवर। मैंने अपना फ़ोन चार्ज में लगाया हुआ था, या तो मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता हूँ या तो मैं सो रहा होता हूँ, और मैं कभी कभी सोता भी इसलिए हूँ ताकि मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए। तो बेसिकली मैं अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए मैं सोता हूँ, दैट्स व्हाट आई डू। मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, चार्ज होते होते ऑल ऑफ अ सडन लाइट वेंट ऑफ, और सिर्फ ये नहीं हुआ, आवाज़ आई फुक फुक सी आवाज़ आई कुछ। मुझे लगा ठीक है, मतलब MCB गिरा होगा एंड ऑल दैट। MCB गिरा, पर मेरा चार्जर भी गिरा, शॉर्ट सर्किट या क्या हुआ। आई रियलाइज दिस हैज स्टॉप्ड वर्किंग, दिस हैज कम्प्लीटली स्टॉप्ड वर्किंग। और मेरे दिल को ना एक झटका सा लगा, क्योंकि मैंने बहुत संजो के चार्जर रखा है अपना, ठीक है। मैं अभी ना यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी, कि आई जस्ट बॉट दीज रबर थिंग्स टू प्रोटेक्ट माई वायर, मतलब आईफोन के वायर के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव, आई गॉट इट, सो दैट इसको मेरे को दोबारा नहीं खरीदना पड़े इतनी महंगी चीज़। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा क्या फिजूल सी बात है, इसमें क्या वीडियो बनाने की ज़रूरत है, चार्जर ही खराब हुआ। पॉइंट ये नहीं है सिर्फ, हालांकि ये भी पॉइंट है, क्योंकि बहुत महंगा चार्जर है जो खराब हुआ है। थैंकफुली इसका वायर सही है, तो अभी मैं लैपटॉप में लगा के यूज़ कर रहा हूँ। पॉइंट ये है इस वीडियो का, दैट वी प्लान अलॉट इन लाइफ, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, बट जब आपके ऊपर बिजली गिरनी होती है ना और आपका अडैप्टर खराब होना होता है ना, तो फुक करके खत्म, चूर, सत्यानाश। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज लिटरली हाउ लाइफ वर्क्स। और ये मैं हमेशा से ही समझता था, एंड आई यूज टू ऑलवेज बिलीव इन दिस, बट दिस हैज मेड मी सॉर्ट ऑफ रीबिलीव और रीविजिट दिस आइडिया। आई रिमेंबर टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्यू ईयर्स बैक, नॉट लिटरली टॉकिंग, हम एक इवेंट में थे और वहाँ हमें इंट्रोड्यूस करना था दोनों को। मैंने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, एंड ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम हिज स्कूल डेज टू कॉलेज डेज, एंड देन पूरा प्लान उसने बताया कि फिर वो कॉलेज के बाद ये PhD, फिर ये मास्टर्स, ये सब करेगा फलाना ढिमकाना, फिर वो ऐसे करेगा, फिर वो मर जाएगा। उसने पूरा मरने तक का उसने प्लान बना दिया, अभी वो हगेगा, फिर मूतेगा, एवरीथिंग। एंड ऑल दीज वाइल आई वाज लाइक, या तो मैं बहुत स्टूपिड हूँ या तो सामने वाला बंदा। इतने दूर की प्लानिंग आप कैसे कर लेते हो, प्लीज़ टेल मी, बिकॉज मैं नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आप 15 लाख प्लान बना लो, उसके 15 लाख प्लान के भी प्लान बी बना लो, जब बिजली गिरेगी और अडैप्टर चला जाएगा तो आप कैसे उसको ठीक करोगे, ये मेरे समझ से तो बाहर है। ये अडैप्टर वाली चीज़ तो बहुत छोटा एग्जांपल है, प्रॉब्ली दिस कोरोना थिंग विच इज़ हैपनिंग, दैट इज इवन बिगर एग्जांपल फॉर दिस, वेयर वी हैव नोटिस्ड दैट थिंग्स कैन चेंज, दे कैन ओवरटर्न लाइक इन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल मिनट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली दैट प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी है फर्स्ट, एंड सेकेंड इज ओवर प्लान, ओवर एनालाइज। हम जितना मर्जी कर लें, मैं नहीं कह रहा हर चीज़ किस्मत पर छोड़ दो, बट इफ़ यू जस्ट बी एट वॉट वी रियली वॉन्ट टू डू इन लाइफ, वी विल गेट वॉट वी डिजर्व। बट अगर हम हर चीज़ लाइफ में इतना प्लान और सॉलिड कर देंगे ना, कुछ भी हो जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं सही हूँ, मैं इस चैनल में कभी ऐसा नहीं करता, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम समवन हु बिलीव्स मोर ऑन इंस्टिंक्ट्स, नॉट इम्पल्स। मैं इम्पल्सिव नहीं हूँ, पर मैं इंस्टिंक्टिव हूँ, मुझे फील पे मैं खेलता हूँ लाइफ में। आई फील लाइक आई हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दिस फॉर क्वाइट अ वाइल। हमारी प्लानिंग और हमारा दिमाग और हम जितनी मर्जी शातिर हो, हम सब करते रह जाते हैं, बट सो रेस्ट ऑफ द वीडियो गॉट फक्ड, आई डोंट नो हाउ, व्हाई, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, सो अपोलॉजीज, काम चला लो, टाटा।